हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिस्कस कर रहे हैं, जो कि चैप्टर 3 है। इसमें एक टॉपिक बचा है, लास्ट टॉपिक है, डिस्कस करना है ग्लोबलाइजेशन। क्लियर? इसमें सिंपल है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि हमने पूरे वर्ल्ड को एक विलेज बना दिया, जिसमें कोई भी सामान कहीं आ सकता है, कहीं जा सकता है। मतलब कंप्लीट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की हम बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमी में। अगर मान लो कोई देश से सामान आ रहा है, अगर हम उसको रास्ते में ही रोक देते हैं, मतलब अपने देश में एंट्री नहीं होने जाते हैं, तो ये ग्लोबलाइजेशन को वायलेट करता है। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब ऐसी प्रोसेस जो इंक्रीज करते हैं ओपननेस के, मतलब कहीं का सामान इंडिया मिल रहा है, आप जैसे अमेरिका का शो देख रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन का मतलब सिर्फ हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इकोनॉमी टर्म्स में क्या वहाँ का सामान वैल्यू, नहीं भाई, वहाँ का कल्चर भी हमारे पास आ रहा है। वहाँ का फिल्म हम देख रहे हैं, वहाँ का कपड़ा हम पहन रहे हैं, वहाँ का खाना हम खा रहे हैं, यहाँ का खाना वहाँ खाया जा रहा है, एक देश से दूसरे देश का खाना खाया जा रहा है, पूरे 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 वर्ल्ड में एक दूसरे का खाना खा रहे हैं, एक दूसरे का कपड़ा पहन रहे हैं, एक दूसरे का फिल्म देख रहे हैं। तो आप देख रहे हो कि प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस एसोसिएटेड विथ इंक्रीजिंग ओपननेस, ग्रोइंग इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। कि जैसे मेरा घर है, मेरे घर में चार पांच सामान है, एक सामान अमेरिका का है, एक सामान इंग्लैंड का है, एक सामान चाइना का है, एक सामान कहीं और का है, एक सामान कहीं और का है। कि सेम ऐसा ही होगा अमेरिका के किसी फैमिली के घर में, सेम ऐसा ही होगा चाइना के फैमिली, सेम ऐसा ही होगा पाकिस्तान के किसी फैमिली में। तो देख रहे हो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस आया, कि भाई एक दूसरे पर डिपेंडेंसी काफ़ी हद तक बढ़ गई। और क्या हुआ, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बहुत डीप हो गया, कि बहुत ज़्यादा रिलाई करते एक दूसरे पे, और काफ़ी डिपेंडेंसी आ जाती है, आ गई है ग्लोबलाइजेशन के बाद में। लेकिन धीरे धीरे आपको पता चलेगा अभी के सिनारियों में इससे उल्टा जा रहे हैं, डी ग्लोबलाइजेशन फेज में हम जा रहे हैं, डी ग्लोबलाइजेशन, कि सब देश सेल्फ इंडिपेंडेंट बन रहे, यानी आत्मनिर्भर बन रहे। आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो हम ग्लोबलाइजेशन से एक स्टेप और आगे चले। सिंपल अमेरिका भी बात करता है, अपने 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 देश के लिए बात करता है ज़्यादा। क्लियर? फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड एंड कैपिटल फ्लो अक्रॉस, देखो, लेकिन अभी भी डी ग्लोबलाइजेशन भले हुआ है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन ख़त्म होने वाला नहीं है, तो आपको पता ही होगा इतना जल्दी। तो ग्लोबलाइजेशन के कारण हुआ क्या, जो हम अभी थोड़ा टॉपिक से हट गए थे, ग्लोबलाइजेशन के कारण हुआ क्या, फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड होने लगा, कैपिटल फ्लो होने लगा, मतलब सामान भी एक जगह से दूसरे जगह जाने लगे, और मतलब कि ट्रेड होने लगा, सामान जाने लगा, सर्विसेज आने लगी, लोग जाने लगे जॉब करने एक दूसरे देश में, और ऐसे ही होने लगा। कैपिटल फ्लो हुआ अक्रॉस द बॉर्डर, मतलब FDI इंडिया में आई, FII, तो ये सब डिस्कस करते हैं। तो ये सब हुआ ग्लोबलाइजेशन के कारण। क्लियर? तो एक पहले दो तीन टॉपिक डिस्कस कर, एक टॉपिक है उसको डिस्कस कर लेते, आउटसोर्सिंग। फिर हम डिस्कस करेंगे कि हमारे देश में ऐसा क्या पॉलिसी में रिफॉर्म लाए गए जिसके कारण ग्लोबलाइजेशन को फ़ायदा हुआ और ग्लोबलाइजेशन और देश में बढ़ गया। पहला है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग क्या होता है, कि सिंपल है कि आप अपने देश का, जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कि एक कंपनी है जो USA में है, वो कंपनी को एक चीफ बनाना है, तो कंपनी अपने देश में बनाती है तो बहुत महंगा पड़ जाता है, क्योंकि जो इस चिप का रॉ मटेरियल, इसको बनाने के जो लेबर वर्क फोर्स, ये सब होगा, सब बहुत महंगा होगा। तो एक चिप तो सस्ता चीज़ है, मतलब बहुत छोटा चीज़ है, कहीं से बनवा सकते हैं। तो इसने क्या किया, इंडिया से चिप बनवा लिया, क्योंकि इंडिया में लेबर चीफ है, इंडिया में रॉ मटेरियल मिल जाएगा, इसी को बोलते हैं आउटसोर्सिंग। क्लियर? जैसे कॉल सेंटर भी तो यही होता है, बड़ी बड़ी कंपनी के कॉल सेंटर छोटे छोटे एरिया में होते हैं, कि उसको पता है अपने देश में कॉल सेंटर रखेंगे तो महंगे होंगे, क्योंकि वहाँ पे लेबर महंगे मिलेंगे। टीचिंग ये भी होता है, क्लिनिकल एडवाइस ये भी हो जाता है। रीजन ऐसा क्यों होता है, कि अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर इन इंडिया और कम देखो स्किल वर्कर, अगर वही USA में काम करेंगे तो वही काम करेंगे, मतलब मान लो $10,000 में, इंडिया में वही मान लेंगे $1,000 में, तो कहाँ पे काम करवाएगा भाई, इंडिया में काम करवाएगा। स्किल, इवन स्किल्ड वर्कर के भी वेजेस कम है। रिवॉल्यूशनरी ग्रोथ हुआ IT इंडस्ट्री के लिए, इसके लिए मान लो चीप का मैंने एग्जांपल दे दिया। क्लियर? अब कुछ पॉलिसी स्ट्रेटजी कैसे हुए, पॉलिसी स्ट्रेटजी जिसके कारण ग्लोबलाइजेशन इंडियन इकोनॉमी में बहुत प्रमोट हुआ। इनिशियली क्या था, इक्विटी लिमिट का मतलब होता है किसी कंपनी का जितना कैपिटल होता है, कैपिटल
उसका, जैसे मान लो उसका जितना शेयर है, उसका पहले ज़्यादा से ज़्यादा 40% फॉरेन कंपनी इन्वेस्ट कर सकती थी, अब 51 से लेके 100% तक फॉरेन कंपनी इन्वेस्ट करे, तो इन्वेस्टमेंट तो FDI आएगा ही नहीं, फॉरेन कंपनी का इन्वेस्टमेंट आएगा ही नहीं इन 47 हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्री 100% विदाउट रेस्ट्रिक्शन एंड रेड टेपिज्म। मतलब रेड टेपिज्म एक होता था कि मतलब कि आते थे, कोई देश आता था यहाँ पे कोई अपनी कंपनी एस्टाब्लिश करने, उसको इतना जगह जाना पड़ता था लाइसेंस लेने के लिए कि एक रेड टेपिज्म होता है ना कि आपको लाइसेंस मतलब गवर्नमेंट का ऑफिस एक्सेस करना बहुत टफ हो जाता है, इस पर्टिकुलर टर्म को बोलते हैं रेड टेपिज्म। तो अब क्या हो गया, बहुत अधिकतर इंडस्ट्री में क्या हुआ, 100% विदाउट रिस्ट्रिक्शन आ सकती है कोई कंपनी, तो अब क्यों कंपनी क्यों नहीं आएगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर है तो भाई ग्लोबलाइजेशन तो प्रमोट होगा ही ना, क्लियर। फेमा इन्फोर्स किया गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, कि फॉरेन एक्सचेंज को मैनेजमेंट करने के बॉडी, इसको आप अगर डिटेल में देखना चाहते हो तो गूगल सर्च कर लेना। और आगे इसमें एक चीज़ बताता हूँ, देखो एक टर्म पहले मैं बताता हूँ तभी आगे हम चलेंगे, प्राइस पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी। इसका मतलब होता है कि फ्रीडम टू कन्वर्ट, जैसे आपकी करेंसी है रुपीज, एक करेंसी है डॉलर, आप इससे कितना जल्दी कन्वर्ट करवा लेते, अगर कन्वर्टिंग कन्वर्जन में प्रॉब्लम आएगा तो यानी फिर पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी का क्या फ़ायदा, कि पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी का मतलब होता है फ्रीडम टू कन्वर्ट डोमेस्टिक करेंसी इनटू फॉरेन करेंसी, क्लियर, वाइस वर्सा मतलब उल्टा भी कर सकते हैं, फॉर रिस्ट्रिक्टेड पर्पस, ऐसा नहीं कि आपके पास जितना है पैसा सबका डॉलर का, ऐसा नहीं। इन इंडिया देर इज ए पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी एज देर आज रिस्ट्रिक्शन और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन थ्रू रुपीज इज फुल्ली कन्वर्टेबल इन करेंट अकाउंट। देखो करेंट अकाउंट क्या होता है, करेंट अकाउंट मतलब वो अकाउंट होता है जिसमें हम नॉर्मल ट्रेड करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का। कैपिटल अकाउंट हमेशा होता है कि जिसमें कैपिटल आता है FDI, FII या कहीं और से कुछ आया पैसा वगैरह, तो कैपिटल अकाउंट के लिए FDI, तो इसमें थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन भी इतना ज़्यादा अमाउंट के लिए है ना कि आपको समझो इसमें भी फ्री है, इसमें तो फ्री है ही, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारे देश में क्या हुआ, क्या पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी आ गया, इसमें क्या हुआ कि हम सेल कर सकते थे, परचेज कर सकते थे फॉरेन करेंसी को आसानी से, तो इससे हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आसानी से कर सकते थे, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट दे सकते थे, डिविडेंड दे सकते थे, रेमिटेंस आ सकता था, जैसे फॉरेन देश से आया जल्दी से कन्वर्ट हो गया इंडियन रुपीज में तो इंडियन लोग को फ़ायदा हो गया। लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी आया तो लॉन्गर ड्यूरेशन तक, रेस्ट्रिक्शन को रिमूव किया गया, ओपन कंपटीशन आया, टैरिफ को हमने हटाया, तो क्या हुआ, इस सब को हटाने से हमें फ़ायदा क्या हुआ भाई, ग्लोबलाइजेशन बड़ा सिंपल, बाहर से FDI आने लगा है, बाहर की कंपनी अपना सामान यहाँ बेचने लगी हैं, तो इससे क्या हुआ कंपटिटिवनेस आएगा, टैरिफ बह जाएंगे, क्योंकि टैरिफ वैरियर को हम विड्रॉ नहीं करेंगे तो क्या होगा, बाहर का सामान कितना भी आ गया हमारे देश में वो महंगा ही मिलेगा, क्योंकि हमने उस रास्ते में ही अपने अपने बॉर्डर के पास ही हमने टैक्स लगा दिया। क्वांटिटेटिव हमने रेस्ट्रिक्शन हटा दिया कि इस था ना कि इस ज़्यादा से इससे ज़्यादा आप नहीं बना सकते, ये सब हमने हटा दिया 2001 में टोटली विड्रॉन कर लिया। तो WTO का क्या काम था, WTO से पहले एक बॉडी थी GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड क्या था, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ था आई थिंक, हाँ। तो इसके बाद ये बॉडी आया था, इसको हटा के थोड़ा ब्रॉड बॉडी आया था ऑलमोस्ट 1995 के आसपास। तो इनका काम था कि फ्री ट्रेड को प्रमोट करना, टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर नहीं लगाया जाए। टैरिफ बैरियर का मतलब होता है बैरियर और इंपोर्ट थ्रू इंपोर्ट ड्यूटी, नॉन टैरिफ का मतलब है आपने कोटा लगा दिया, इससे ज़्यादा आप नहीं भेज सकते, खराब क्वालिटी का आपने जो भेजा है ये सब होता है कोटा एंड क्वालिटी। फ्री मूवमेंट एंड कंपटीशन से क्या होगा, इंटरनेशनल मार्केट में होना चाहिए, ये सब इसका ऑब्जेक्टिव है। बायलेटरल और मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट होना चाहिए, जो डिस्प्यूट वगैरह है वो ख़त्म होना चाहिए, क्लियर। ये तो हमें डिस्कस नहीं करना है, वो हम बाद में किसी टॉपिक में डिस्कस कर ले, लेकिन ये इस टॉपिक का बात नहीं है कि इम्पैक्ट ऑफ WTO ने इंडियन इकोनॉमी, लेकिन मेरिट्स क्या क्या हुआ इस पर्टिकुलर रिफॉर्म के आने से, फ़ायदा क्या हुआ और डीमेरिट्स क्या हुआ वो सब हम डिस्कस कर लेते हैं, क्लियर। तो फ़ायदा हम देख लेते हैं सबसे पहले,
वाइब्रेंट इकोनॉमी आई, हमारे जीडीपी ग्रोथ अच्छा खासा होने लगा, उसके बाद इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने लगा और हमारे इंडस्ट्री की ज़्यादा तवज्जो दिया जाने लगा वर्ल्ड में, क्योंकि हमारी आईटी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा रिकग्नाइज हो गई वर्ल्ड लेवल पे। उसके बाद फिस्कल डेफिसिट पे हमने कब्जा कम कर लिया, जैसे पहले था 8.4% 19, अब हमारे 3 के आसपास ही रहता है। इन्फ्लेशन पे हमने सही किया, क्योंकि इन्फ्लेशन कब होता है, कंपटीशन आया तो सब अपना सस्ता सामान बेचने को तैयार है तो, और सप्लाई भी इंक्रीज है, इन्फ्लेशन तब ना होता है, या तो डिमांड कम हो गया, मतलब डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है और कोई एक तो सप्लाई कम और दूसरे से पे मोनोपोली किसी एक कंपनी की तो महंगा होगा ही ना। कंज्यूमर की सॉवरेनिटी आ गई, भाई मुझे जो मन होगा ना वही खरीदूंगा, आप क्या बच रहे हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंज्यूमर का प्रेफरेंस बहुत मैटर करने लगा। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, अभी तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ, भाई पैसा ज़्यादा रहेगा तो हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि हम एक्सट्रीम सिचुएशन में भी लड़ सकते हैं और वेलफेयर कर सकते हैं सोसाइटी का। प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आने लगा और डोमेस्टिक इकोनॉमी के पास अपना ज़्यादा री इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं थे, और डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी थी वो भी बहुत एब्सोल्यूट थी, एब्सोल्यूट मतलब बहुत पुराना, दकिया मतलब बहुत पुराना जो बोलते हैं ना वो वाला बोलते हैं, तो नई नई कंपनी आ रही क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी अच्छी है तो ऑब्वियसली सस्ता सामान बनाएगा, थोड़ा एफिशियंट सामान बनाएगा। इन रिकॉग्निशन ऑफ इंडिया एज एन इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर, भाई आपकी इकोनॉमी होगी ना अच्छी तो दुनिया आपकी सुनेगी, सिंपल आप देख सकते हो अभी भी आज के सिनेरियो में भी, शिफ्ट फ्रॉम मोनोपोली मार्केट टू कम्पिटिटिव मार्केट, ये तो सबसे अच्छा था कि पहले एक कंपनी का मोनोपोली होगा तो ऑब्वियसली महंगा बेचे रहेगा ही सामान। डीमेरिट्स क्या क्या, हमने एग्रीकल्चर को साफ साफ भूल गया, ध्यान ही नहीं दिया, अर्बन कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हुआ जिसके कारण ग्रोथ तो हुआ लेकिन अर्बन कंसंट्रेशन अर्बनाइजेशन अपने साथ बहुत सारे प्रॉब्लम आए, ये तो आपको पता ही होगा कि अर्बन अपने साथ बहुत सारे प्रॉब्लम, जैसे सोशल प्रॉब्लम होने लगे, लोग अर्बन के साथ आने लगे, जैसे न्यूक्लियर फैमिली वगैरह होती है, क्राइम रेट वगैरह इंक्रीज हो गया थोड़ा बहुत, और पॉवर्टी आ गई, एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो बोलते हैं, क्योंकि रूरल एरिया में एब्सोल्यूट पॉवर्टी नहीं होता है ना, ऐसे इकोनॉमिक कॉलोनी जमाए गए, बाहर की कंपनी आ गई है अभी भी कब्जा जमाई है अधिकतर सेक्टर में, कंज्यूमरिज्म का स्प्रेड हो गया बहुत ज़्यादा कि लोग ये यूज करें मतलब लोगों का मन ही नहीं भरता, ऐसे बोला कि ग्रोथ तो हुआ लेकिन ग्रोथ के पीछे और भी सारे प्रॉब्लम लेके आया है ग्रोथ, वो सब देख सकते हैं, हमारे कल्चर का इरोजन ही हो गया, अमेरिकन कल्चर चाइनीज कल्चर ये सब चलता है, हमें अमेरिका का फिल्म देखना है, अमेरिका का खाना खाना है, अमेरिका का ड्रेस पहनना है, अमेरिका की वेब सीरीज देखनी है, तो हमारा अपना कल्चर कहीं इरोड, अभी इंडिया में ही बहुत सारी वेब सीरीज बनती है तो उसमें से अधिकतर वेब सीरीज जो थोड़े इंडिया से रिलेटेड नहीं होते हैं, मतलब आपको लगे नहीं यार ये इंडिया में कहाँ होता है, मतलब ऐसे अधिकतर जो वेब सीरीज बनाए जाते हैं, कुछ बनते हैं वो सही होते हैं तो आपको तो पता ही होगा। तो चलिए थैंक यू, अब नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट डे जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे पॉवर्टी, तो इसमें आपको भले ही एक चैप्टर पे 2-3 वीडियो आएगी लेकिन 2 दिन में एक चैप्टर हमारा एंड करने का पूरा प्लान रहता है कि 2 दिन में एटलीस्ट एक चैप्टर ख़त्म करें ताकि हमारा उतना टाइम ना लगे। तो चलिए आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर करो अपने फ्रेंड्स में और मुझे बताओ कि मैं क्या चेंज करूँ, एटलीस्ट बताओ तो सही। चलो थैंक यू सो मच।